जय श्री राम मेरे सारे दिल के भाइयों को और उनकी बहनों को। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो भाई? आज जहां हम जा रहे हैं ना, मतलब जहां जा रहे हैं ना भाई, इतनी सेक्सी जगह है, तुम्हें देख के ना तुम कहोगे भाई तुमने मौज ही बांध रखी है। कह रहा है ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाया कर, ऐसी ऐसी जगह ले जाया कर। बताओ भैया कहाँ जा रहे हैं हम? जय श्री राम कौन करेगा? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। इस बात के लिए मान गया, नहीं तो बता देता तो। भाई आज हम जा रहे हैं शूटिंग रेंज। आज तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसी ऐसी बंदूकें दिखाऊंगा ना, फायर करेंगे वहां पे बढ़िया रेंज में, जो इंपोर्टेड सारी गन्स रहती हैं, जो अपने हम नेटफ्लिक्स की सीरीज वीरीज के अंदर देखते हैं ना भाई, वो इंपोर्टेड तो इंडिया वालों के लिए। हाँ तो भाई ब्लॉग भी तो इंडिया वाले ही देख रहे हैं ना। तो इंपोर्ट थोड़ी हुई है, वो तो यही है। अरे तो इंपोर्टेड गन्स होती है भाई, वो यहाँ की नहीं होती, यूके की भी होती है, जर्मन मेड भी होती है। यार जीरो नॉलेज, हम तो कनाडा वाली चलाएंगे, सदा देसी कट्टे चलाए, 150 वाले मिर्जापुर वाले। तो भाई दिखाऊंगा तो मैं हैंडगन्स, ग्लॉक्स जो भी अवेलेबल होंगी उस टाइम पे, वैसे तो ज्यादातर होनी चाहिए, सारी वीकडेज पे मोस्टली रहती हैं। और ऐसे सेक्सी माहौल सेट कर देंगे, मैं विशेष और भैया और परम भाई, हम चारों जने जा रहे हैं चल के काचे काटते हैं। और उसके बाद चलेंगे भाई खा पी के अपने, कुछ भूख लग रही है बहुत कैडी, उसके बाद चलेंगे कसीनो में। कसीनो में पैसा उड़ाएंगे नहीं, पैसा कमाएंगे, कई बार जवान पे सरस्वती बैठी होती है। कसीनो चलेंगे, कसीनो जाके ब्लैक जैक खेलेंगे, टेबल पे बैठेंगे। और आज का मतलब पूरा व्लॉग बहुत सेक्सी होने वाला है, तो पूरा देखना, जेन्युइन व्लॉग है। बस अभी एक छोटी सी दिक्कत है कि हम हो गए हैं बहुत ज्यादा ही लेट। ये महान आदमी अपनी आईडी भूल गया भाई तू? हाँ तो तुझे ही बोलूंगा और किसे बोलूंगा, ये अपनी आईडी भाई भूल गया। तो देख ली मैंने, नहीं वहां बैठा रहा था अपनी सी शक्ल लेके, भाई आईडी नहीं लाया। चलो भाई पर जल्दी जल्दी चलता हूँ, फिर तुम्हें पहले गन रेंज दिखाता हूँ, उसके बाद कसीनो लेके चलता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था भाई? भाई जेन्युइन भाई, जेन्युइन भाई, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो गया भाई, डोपामिन भाई, डोपामिन भी रिलीज हुआ है। पर भाई कौन सा बीन भाई, जो भी कहो ना भाई, मजा आ गया जेन्युइन भाई, मैं ले रहा हूँ। अगर वो हुआ ना
तो मैं लाइसेंस ले रहा हूँ। अरे यार ये इन्हें कुछ करा लो, इनको बतानी होती हम कन्हैया गाँव के। गाड़ी कहाँ पार्क है भैया? ओ भाई मत कर, सॉरी बोलो मत कर, निकालूं क्या अभी अपनी 9mm की ग्लॉक? भाई बहुत मजा आ गया भाई, जेन्युइन कसम से। अगर भाई कोई भी भाई हो, हमारा टोटल खर्चा चार जनों का कितने का है? 281। मैं बैठ रहा हूँ परम भाई के साथ, मैं बैठ जाता हूँ। 281 प्लस 170 चार जनों का, जिसमें हमने 3 फायर आर्म्स दो दो बार शूट किए हैं, शॉटगन और सेमी ऑटो राइफल और 9mm ग्लॉक। हाँ और हमारा है 280 प्लस 170 $450 उसको भाई, पर चार बंदे आए यार बहुत बढ़िया, $110 पर पर्सन भाई। कोई भी भाई आना चाहे टारगेट स्पोर्ट्स कनाडा सर्च कर लेना और नाम ले देना, क्या 3-4 लौंडे आए थे और फाड़ के चले गए टारगेट। टारगेट इट्स ये जरूरी है। चलो भाई अब चल रहे हैं सारे भाई खा पी के कुछ कसिनो, लेट्स थ्रो सम चिप्स। यस सर लेट्स गो। हम भाई को बीच में कुछ काम पड़ गया था सो ही पोस्ट आउट, तो अब हम एक बार कढ़ाई पॉइंट पे आए हैं, यहाँ पे खाना वाना खाते, भूख लग रही है बहुत जेन्युइन वाली, क्योंकि सुबह मारी थी जिम, उसके बाद कुछ नहीं खाया जिम के बाद, प्रोटीन तक नहीं पिया, तो इसलिए अब हम आए कढ़ाई पॉइंट पे, और कढ़ाई पॉइंट के बाद चलेंगे कसिनो। भैया कह रहे आ रहे हैं भैया, अभी कढ़ाई पॉइंट के बाद चलेंगे कसिनो, पहले यहाँ रोटी तोड़ लें एक बार, खाओगे तुम भी खा लो भाई अपने घर, फिर मैं क्या करूँ। नहीं भाई खाओगे तो आ जाओ यार, सब खोगे तुम्हें भाई। ये चेक करो, खाना खत्म हो गया, अब है स्वीट डिश की बारी। ये रही मेरी स्वीट डिश, हाँ भाई मीठे भाई, ये कॉम्बो अगर किसी ने ना ट्राई किया हो ना, अगर भाई तुमने ये कॉम्बो ट्राई नहीं किया ना, यू गाइस आर मिसिंग आउट। गुलाब जामुन और आइसक्रीम, केक और आइसक्रीम तो सब नहीं खाई होगी, ये भी बहुत सेक्सी, बट गुलाब जामुन और आइसक्रीम इज नेक्स्ट लेवल, सो ट्राई इट। वो लेके अगर आराम से खा लो। आ गए भाई वुडबाइन कैसीनो में, दिखाऊं तुम्हें? ये देखो ये रहा, लेकिन भाई पता है कैसीनोस के अंदर ना फिल्म करना अलाउड नहीं होता, मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो पाए हो जाए, कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं भी निकाला जाऊं बाहर, तो कोशिश कर लूँगा छोटी मोटी क्लिप जितनी बन पाएगी दिखा दूंगा, बाकी एंड में बता दूंगा कितने क्या विनिंग्स रहेगी या क्या लॉस रहा, जो भी होगा लॉस नहीं विनिंग्स, लॉस तो खड़ा ही नहीं, तो सारी चीज़ बता दूंगा, कोशिश करूँगा जितना व्लॉग बन पाएगा ना उतना बना भी लूँगा अंदर, क्योंकि अलाउ नहीं करते। कहाँ पे मॉल भी है यहाँ पे? ये हाँ अब बना थोड़ी है, बन गया भाई ये खुला हुआ है, शोरूम वगैरह है, पहले पैसे कमाते हैं फिर मॉल चलेंगे। मॉल तो बंद भी। चलो भाई एक बार अंदर लेके चलता हूँ तुम्हें। भाई क्या कही थी ये पैसा जीत के आएंगे, टोटल कितनी कितनी जीतती मैंने देखी नहीं, देखना कितने भाई, $200 लगाए थे हमने, $200 की वो खरीदी थी भाई, 540 तो हमें 540 रिटर्न मिले हैं, तो कितने बन गए भाई? तू तो पक्का जुआरी है। $340 भाई टेबल में बैठे ब्लैक जैक में, $340 प्रॉफिट एंड बैक होम भाई। आज आज ना पहले मैं मूड बना गया था, मैं आज हारना नहीं भाई, आज जीतना है, मैं लास्ट तो पहले भी कितनी बार आया तो पहले एक बार और एक बार और ब्लॉग में दिखाया उस वाले में, उस वाले में जब गए थे जो मेरे वाले कैसे लगाए थे, हाँ आपका ही तो है वही जिसमें मैं वो था सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हाँ उसी में भाई, पर मजा आ गया। सारा दिन जितनी भी गोली गाड़ी खर्चा था वो भी निकल गया, पैसे भी बच गए, खाने पीने का भी निकल गया। पूरा सिस्टम सेट हो गया आज के ब्लॉग में, तो भाई जेन्युइन मजा आ गया। पर भाई आई डो नॉट प्रमोट जुआ जारी, पर अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो खूब जुआ खेलो। पर मैं प्रमोट नहीं करता भाई, तुम अपने भाई अपने मर्जी से खेलो, खूब खेलो। दिवाली पे वैसे भी मुझे पता तुम पत्ते खेलते हो बैठ के भाई, कभी कभार के लिए मतलब
इसको एज अ इनकम सोर्स मत खेलो, बट कभी कभार मौज मस्ती के लिए घूमने फिरने आ जाओ। मैं तो व्लॉग में दिखा, व्लॉगिंग के लिए आया था सच्ची में, तो व्लॉग में दिखाने आया था जेन्युइन, पर पैसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है। किसने सही है भाई, चला था अपनी भाई, मजा आ गया आज के व्लॉग में तो। पर भाई जेन्युइन कमेंट करके बताना जो गन्स तुम्हें दिखाई मैंने उसमें, वो कैसी थी? सेक्सी नहीं थी? दिखाई थी भाई, पूरी वीडियो डाली है। पंप एक्शन शॉटगन जैसे मार के ना कंधा भी यूं पीछे जा रहा था उसमें, इतना जेन्युइन मजा आ रहा था। तो फिर भाइयों आज के व्लॉग में बस यही था, और जो भी था सेक्सी दिन सेक्सी व्लॉग, मजा आ गया। दोबारा जाऊंगा मैं तो जल्दी शूटिंग करने। चलोगे भैया? इस बार ना, इस बार राइफल नहीं चलाएंगे यार। मजा तो तीनों में, पर इस जो हैंडगन का मजा है ना ग्लॉक का भाई, वो ग्लॉक वो चलाएंगे रिवॉल्वर वाली स्मिथ एंड वेसन। हां रिवॉल्वर, बहुत सारी गन्स थी और उन पे ऐसे लाइंस है, पर वहां पे ना फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि सर रेंज के अंदर ही फिल्म कर लेना बस शूट करते हुए। हां जी, या फिर एक छोटी वो ले लेंगे, कोई छोटी राइफल लेंगे ऑटोमेटिक, ऑटो जैसे धर खत्म हो जाएगी। वो कह रहे थे कि वहां ना उसके रेंज के अंदर ना बहुत सारे अंडरकवर कॉप्स रहते हैं जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप फिल्म नहीं कर सकते यहाँ पे, तो सिर्फ अपनी लेन को ही फिल्म कर लेना। मैं कहा चलो ठीक है भाई ऐसा कर लेंगे। तो फिर हमने हमारी चारों की बनाई बढ़िया बढ़िया वीडियो, मजा आ गया। एक तो वो तो 1001% कॉप था, जिस हिसाब से गोली चला रहा था तो फ्री में मिलती है। फ्री कॉप्स को? कॉप्स को फ्री में तो नहीं मिलती है, फ्री में मिलती है भाई प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, उसने कम से कम 250 गोली चला दी। और भाई मजा आ गया आज का दिन, बड़ा सेक्सी था। ये रख लेंगे इकट्ठे अपने संभाल के। याद क्या फर्स्ट टाइम इस रेंज में गए थे जब गए, और फिर जब सारे बीच में डग 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 लगेगी तो उसके फिर कंपैरिजन वीडियो डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ठीक है भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय श्री राम सबको, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो जो होता भाई सारी चीज कर देना, ठीक है, ओके बाय।